भारत के चंद्रयान 3 मिशन के रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूदा मिट्टी यानी मून सोयल की जांच शुरू कर दी है। इसरो ने रविवार यानी 27 अगस्त को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी की जांच की है। सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक इसके तापमान में अंतर पाया गया है। इसरो ने बताया कि ये पहली बार है जब दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की मिट्टी की तापमान प्रोफाइलिंग की जा रही है, क्योंकि पहली बार किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो ने मिट्टी के तापमान पर एक ग्राफ भी शेयर किया है। ग्राफ में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक दिखाई दे रहा है। स्पेस एजेंसी ने कहा कि चैस्टी पेलोड चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए ध्रुव के चारों ओर चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापता है। इसमें तापमान जांचने का यंत्र है जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। इसरो ने बताया कि इसमें 10 अलग अलग तापमान सेंसर लगे हैं। इस ग्राफ में चंद्र के तापमान के अंतर को दिखाया गया है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के लिए ये पहली ऐसी प्रोफाइल है। इसरो ने यह भी बताया कि आगे और रिसर्च चल रही है। इससे पहले शनिवार को इसरो ने ये जानकारी दी थी कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 में से 2 उद्देश्य हासिल हो गए हैं, जबकि तीसरे उद्देश्य के तहत वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। आपको बता दें कि 23 अगस्त यानी वो दिन जब चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उसी दिन से चंद्रयान 3 के रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया था और अब वो अपने उद्देश्यों में से काफी चीजें पूरी करता जा रहा है। इसरो बराबर अपडेट्स देता जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद किस किस प्रोजेक्ट पे अब काम हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।